लालगंज तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस विंध्याचल क्षेत्र में डीआईजी आरपी सिंह की अध्यक्षता में हुआ। कुल 57 मामले हैं जिनमें 4 का निस्तारण किया गया। लालगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीआईजी आरपी सिंह ने लालगंज क्षेत्र में स्थित 4-लेन सड़क पर होने वाले दुर्घटना स्थल को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित करने को सीओ लालगंज को निर्देश दिया। जन सुनवाई करते हुए डीआईजी ने प्राप्त जन शिकायतों को समय के अंदर निस्तारण करने पर जोर दिया। संपूर्ण समाधान दिवस में दुबार कला निवासी सिद्धनाथ जायसवाल ने आरोप लगाया कि उनके पुश्तैनी घर और जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। ड्रमंडगंज थाना के महुगढ़ी गांव निवासी शंभुनाथ ने प्रार्थना पत्र में शिकायत किया कि जमीन पर चल रहे मुकदमा के दौरान चल रहे बार बार प्रकृति बदलने और विवाद पर विपक्षी आमादा हैं। लालगंज से खजूरी गांव निवासी कुमारी प्रीति ने अवैध वसूली करने का एक व्यक्ति पर आरोप लगाया। आलिया थाना क्षेत्र के ऊंटी गांव निवासी ओम प्रकाश तिवारी ने विद्युत विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति पर 45,000 रुपए लेने का आरोप लगाया। लालगंज के जगदीशपुर गांव निवासी सुशीला देवी ने प्रार्थना पत्र में बताया कि घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की और छेड़खानी किया। ड्रमंडगंज के कटरा गांव निवासी पन्नलाल मौर्य प्रार्थना पत्र दिया कि बिना विद्युत कनेक्शन लिए ही आरसी भेज दिया गया। दुबारकला के लाल बहादुर ने मोटर चोरी होने और नामजद तहरीर देने के बाद ही कार्रवाई नहीं होने की शिकायत की। परौंधा निवासी प्रेम प्रकाश मिश्र ने पशुओं द्वारा फसल नष्ट करने और सड़क पर पशुओं की अकाल मौत को रोकने की मांग की। हालिया थाना क्षेत्र के रामपुर नवडीहा गांव निवासी राममिलन बंजर भूमि पर क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा सुविधा शुल्क देकर लोगों को आबाद करने का आरोप लगाया और जांच की मांग की है। इस अवसर पर तहसीलदार शशांक शेखर राय, पुलिस क्षेत्राधिकारी दीक्षांत राज, नायब तहसीलदार द्वय राम नारायण नर्मा व मधु जैन, बीडीओ शिव नारायण सिंह, डॉक्टर आईडीएन चतुर्वेदी, प्रभारी निरीक्षक ज्ञानू प्रिया आदि मौजूद रहे। मिर्जापुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। मैं संतोष पांडे पिंटू, आज अचानक तहसील लालगंज में मैं पहुंचा तो देखा यहाँ पे डीआईजी मिर्जापुर विंध्याचल मंडल खड़े थे। अब जानकारी लिया तो पता चला तहसील दिवस समाधान दिवस है और इसी बीच में लगभग तहसील दिवस चल भी रहा है। हम तहसील दिवस में कवरेज के लिए दिखाते हैं, देखते रहिए R9 भारत। संतोष पांडे पिंटू का यार इनको कालवा है। में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उसका समाधान समुचित तरीके से करें। सर वो कुछ मामले माने आपके कलम से या तहसीलदार के साहब के कलम से कुछ निपटे कि सब पेंडिंग रहे? लगभग 60 एप्लीकेशन आई थी जिसमें राजस्व, पुलिस, आपूर्ति विभाग, विद्युत विभाग, विकास विभाग से संबंधित थी, कुछ अन्य विभागों से संबंधित एप्लीकेशंस थी, जिसमें 4 का मौके पर निस्तारण किया गया और अभी तहसील दिवस चल ही रहा है। भी अन्य जो फरियादी आएंगे उनकी भी एप्लीकेशंस ली जाएंगे और जिनका निस्तारण मौके पर हो सकता किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद सर।